जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो घर से निकला हूँ, जब इतना जलवा है, अभी तो पूरे रास्ते देखो जलवाई मचाना है। अयोध्या भाई, अयोध्या, जय श्री राम। तो ये देखो यार, यहाँ से नोएडा में हम एंट्री ले लेंगे, और फॉग कितना ज़्यादा है, इसी वजह से मैं लेट करा था लेट, लेकिन अभी भी काफ़ी फॉग है। जिस चीज़ की आशंका थी ना, वही चीज़ हुई। हाईवे पे चढ़ती यार, फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस जय श्री राम, तो इस वजह से यार हम ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलेंगे, बिकॉज क्या है, जो हमारी सर्दी होने वाली है ना, ये काफ़ी लंबी होने वाली है और काफ़ी अच्छे दिनों की होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जाना है कल वापस आना है, तो इसलिए जर्नी को हैप्पी जर्नी बनाएंगे और बहुत ही दिमाग से होशियारी से काम लेंगे इस ट्रिप पे अपना, बिकॉज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से यमुना एक्सप्रेस वे में बहुत सारे सीन वगैरह होते रहते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना है, बहुत दिमाग से चीज़ें कर रही है यहाँ पे। वीडियो पे कम फोकस करना है और अपनी ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यमुना एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। जो कुछ कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, रोक के मतलब स्लो करके दिखाऊंगा अगर मुझे दिखाने लगता है तो, बाकी मैं मेरा मेन फोकस रहेगा ड्राइविंग पे, क्योंकि मेरा बड़ा मोटिव है कि अयोध्या जाना है, वहाँ पे विजिट करना है। जब तक यार धूप नहीं आएगी ना, जब तक मौसम खुलेगा नहीं, जब तक ऐसे धूप रहने वाली है इस पे, तो इसलिए अपना एवरेज स्पीड चल रही है 50-60 के आसपास, और अपना लेफ्ट साइड में चल रहा है स्लोली स्लोली, क्योंकि जब तक धूप नहीं आएगी, मौसम नहीं खुलेगा, जब तक ये फॉग नहीं हटेगा। और यहाँ पे अपने स्पीकर लगा दिया, गाने चल रहे हैं श्री राम जी के। अभी पता नहीं भाई, एक गाड़ी वाले ने हाथ दिया है पीछे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जो हमें लगता है कि राम जी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सभी राम भक्तों का भैया, पार्टी हमारी ना, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। ये भी झंडा भी आए बनी, पूरी बाइक आए ऐसे लिए, सारा आ जाए, प्रसाद चढ़ा देना भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। हाँ, राम राम से जा रहा हूँ बस मैं। और उन्होंने 50 रुपये भी दिए कि प्रसाद चढ़ाने के लिए, कि हमारे नाम से प्रसाद चढ़ा देना, तो चढ़ा देंगे भाई, बिल्कुल चढ़ा देंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। सो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अयोध्या, सोलो ही जा रहा हूँ अभी तो, बाकी हो सकता है कि एक बंदा मुझे ज्वाइन कर ले, बट कन्फर्म नहीं है। सो ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और देख रहे हो फॉग कितना ज़्यादा है, और अभी जो है टाइम हो रहा 10:30 बज रहे हैं, तभी तो ये अपना एक्सप्रेस वे पे इतना फॉग हो रखा है, जिस मैंने अभी टोल कटवाया है 225 रुपये का। और ये है कुछ अपनी बाइक, वो अभी क्या पीछे मैंने झंडा लगाया हुआ था, बट अभी एक दिक्कत हो गई है, ये झंडा जो है ना यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ से ये देख रहे हो, तो अभी इसको पहले ठीक करते हैं यार। तो भाई लोग, जिसकी मैंने बात की थी ना, वो अभी मेरा फ्रेंड आ चुका है और उसने आके ज्वाइन कर लिया है, वो पीछे अभी उसे भी मिलवाऊंगा आपको। और यार धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे अभी, तो सुबह से ना अभी बस हमने अराउंड 120 के आसपास कवर किया है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ से जो बचता एग्जिट है वो 7 किलोमीटर है, और जो टोल टैक्स है वो 2 किलोमीटर दूरी टोल टैक्स है। तो यहाँ पर और ज़्यादा धूप हो रही है, और ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, तो हालत ख़राब हो गई भाई। बट कोई नहीं, जय श्री राम, चलो भाई। अब जो है अपना एक्सपीरियंस में ख़त्म हो चुका है, और अब यहाँ से हम जाना सीधा लखनऊ के लिए। अब यहाँ से क्या है ना, हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। अभी तो आया था यार मैं 1:30 बजे पहले, सारा रूट याद है मेरे को, सारी चीज़ें याद आ रही है, एक एक रूट याद आ रहा है, क्योंकि अभी 1:30 बजे पहले की आया था बस। और ये पता है कि स्पीकर लगा लिया यहाँ पे, और बस गाने सुनता हुआ जय श्री राम। चलो ये देखो एक हनुमान जी की मूर्ति, जय श्री राम। भाई लोग, जो है अभी जो हमने ना लखनऊ एक्सप्रेस पे एंट्री ले ली है, तो ये जो है लखनऊ एक्सप्रेस वे यहीं से एंट्री ली है, 330 का टोल लगा है हमारा, और ये अपनी बाइक खड़ी है,
और अपना बस ये झंडा फहरा रहा है, ये श्री राम जी का झंडा। ये दो लोग जा रहे हैं, दो बाइक है यहाँ पे, और ये एक स्पीकर का जुगाड़ कर लिया मैंने रास्ते में, क्योंकि चलाते जाते ना बोरियत आ जाती है, नींद आती है, तो एक स्पीकर है और राम जी के गाने चल रहे हैं। और ऐसे ही अच्छे मौसम की तरह, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बिल्कुल ही निकली है, तो इसी मौसम के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। तो देखो भाई, एक और हमारे राम भक्त मिल गए। देखो भाई, एक और हमारे भाई मिल गए हैं, इन्होंने तो बहुत ही बड़ा झंडा लगा रखा है। जय श्री राम। तो यार अब जाके ना थोड़ी सी धूप निकल कर आई है, तो अब थोड़ा सा मौसम ठंडा मतलब गर्म हो जाएगा, बॉडी भी थोड़ी गर्म लगेगी। देखो पीछे से सूरज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ जाके आए ना, तो थोड़ा अच्छा मौसम है, अब थोड़ी सी अच्छी ड्राइव हो जाएगी, बट ना ठंड के कारण ना कुछ किलोमीटर ही नहीं कवर कर पा रहे। अब थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाएगा ना, तो अच्छे किलोमीटर कवर हो जाएंगे, अच्छे टाइम से पहुँच जाएंगे हम। सब ये देखो, ये जा रहे हैं राम भक्त पैदल यात्रा करते। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो भाई अभी जो है ना, हम जा रहे थे, जैसे कि राम, पता है आपको, राम मंदिर की तरफ जा रहे थे हम। तो अभी हमने दो भाई देखे जयपुर से आ रखे हैं, वो ये खड़ी अपनी बाइक और ये अपना हेलमेट, और हम तो लोग जा रहे थे बाइक पे, और ये अपना पूरा झंडा जो है फुल मस्त हवा के मारे लहरा रहा है। और ये जो हमारे भाई आ रहे हैं, आए हैं जयपुर। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई लोग कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। तो जयपुर से पैदल ही आ रहे हो? तो कब चले थे आप? हम 11 को। 11 तारीख को। और कब तक पहुंचने का है आपका? 20 तक पहुंच जाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मौसम बढ़िया एकदम? चलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देख लो भाई लोग, ये जज्बा कितना तगड़ा है। हम लोग बाइक से आ रहे हैं, हमें बाइक पे ठंड लग रही है, लेकिन ये तीन भाई जा रहे हैं जयपुर से आए हैं और पैदल चल रहे हैं, मतलब काफी अच्छी चीज है। अरे चल रहा है भाई मेरा फुल स्लो मोशन में। कौन सा गांव बाबा, कौन सी जगह है ये? नगरापुर गांव है। नगरापुर, अच्छा। आप कहाँ के? दिल्ली से आ रहे हैं हम तो। हाँ। सो यहाँ से हमें अब एग्जिट करना पड़ेगा एज यूजुअल पेट्रोल के लिए, बिकॉज पेट्रोल खत्म हो रहा है बाइकों में। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ले लिया एग्जिट। पेट्रोल भागे दोबारा से ऊपर आ जाएगा, 30 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो भाई लोग अभी जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं, और ऑलमोस्ट अभी ना थोड़े बाद एक घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, और अभी भी यहाँ से ना अयोध्या रहता है 250 किलोमीटर रहता है। तो देखते हैं कितने तक पहुँचते हैं, अगर लगा कि ज़्यादा ठंड हो गई या फॉग वगैरह आ रहा है, तो फिर हम लखनऊ में स्टे कर लेंगे, कोई ऐसा जगह आगे खींच दिए, हम कल निकल जाएंगे वहाँ के लिए अयोध्या के लिए। फिर जितना होगा उतनी चलाएंगे आज, बाकी लखनऊ तो फिर जाएंगे ही। खैर लखनऊ यहाँ से है 150 ग्राउंड, तो अभी ना टाइम है, चलाते हैं आराम आराम से। जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, रात में चलाने का मज़ा ही अलग है। लाइट वगैरह तगड़ी रखी है, अपना स्पीकर ऑन है, फुल पता चलता है, फॉग लाइट ऑन है। और मैंने अब जब से जैकेट पहन ली है ना, जब से शांति मिल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा, पहले बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही थी, और आराम से चला लूँगा अब तो। अभी जो टाइम हो रहा है ना, शाम के 6:10 हो रही है, और अभी जो लखनऊ यहाँ से करीब 87 किलोमीटर दूर है, और ठंड ना काफ़ी बढ़ती जा रही है, जैसे रात अंधेरा होता जा रहा है ना। ये खड़ी अपनी बाइक, और एक खड़ी है पीछे बाइक, और ये देखो एक बार बहुत काफ़ी सारी ट्रक निकल रहे, बहुत तेज़ी में। आपको यहाँ देख कर ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, बहुत देर ठंड लग रही है, काफ़ी तेज़ ठंड लग रही है यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा रुक गए थे यहाँ पे, कुछ दिन में लग रहा होगा आपको, आईफोन में दिन लग रहा है, लेकिन दिन में अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और चलते हैं अभी 70-80 किलोमीटर और कवर करते हैं, हो सकता है कि लखनऊ आज स्टे कर ले, क्योंकि 2-3 दिन है यहाँ पे। तो अयोध्या अगर आज चले भी गए, तो अभी वहाँ जाके करना ही गया है, रात को रेस्ट ही करना है। तो रेस्ट ना लेते हुए हम प्लान कर रहे हैं कि 70-80 किलोमीटर है, तो लखनऊ भी रेस्ट करते हैं, बाकी कल निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। सो यार अब यहाँ से निकलते हैं। अब कह रहे हैं मैंने जैकेट के ऊपर जैकेट पहन ली है, बिकॉज क्या ना बहुत ठंड लगी थी यार, तो इससे मैंने इसके अंदर ना एक जैकेट डाल ली है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि 70-80 किलोमीटर है। सो निकलते हैं यहाँ पे, बाकी ट्रकों का काफिला यहाँ पे चल ही रहा है। चले भाई चले, ठंड तो लग रही है, ठंड तो लगेगी, ठंड रुकती है भाई, फट रही है, देखो आंखों में, देखो इसका आंसू, आंसू नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सबकी फटी पड़ी है। क्या है, खुशी का आंसू है? नहीं, ये आंसू नाक से आ रहे हैं।
अब यहाँ पे जो है ना जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ, इसको भी एग्जिट कर देते हैं। और हमारे 10-15 किलोमीटर है लखनऊ, तो चलते कोई होटल वगैरह लेते हैं और आज का स्टे यही करेंगे, क्योंकि फॉग वगैरह हो रहा है, रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ से होता है हमारा एक्सप्रेस वे खत्म और फिर चले जाते हैं लखनऊ सिटी के अंदर, जैसे देखने जा रहा लखनऊ। जब एक्सप्रेस वे से खत्म हो गया उतर गए एक्सप्रेस वे, अब लखनऊ सिटी के ज्यादा तो आएंगे, आउटर साइड में ले लेंगे कोई भी होटल जो मिल जाएगा, क्योंकि सुबह तो निकल रही है। अयोध्या के लिए जय श्री राम। आज का दिन हमारा पता कहाँ खराब हुआ है, जो हम मॉर्निंग में इतना ही एक्सप्रेस वे पे जो मॉर्निंग में था हमारा रूट, हमारा दिन वहाँ पे सारा खराब हुआ है, क्योंकि फॉग इतना ज्यादा था ना कि वहाँ पे बिल्कुल बाइक चल ही नहीं रही थी, इतना मूड खराब हुआ बहुत ज्यादा। सिटी में आती जान आ गई, नहीं तो हाईवे पे खाली खाली चल रहे थे अकेले अकेले, कोई बाइक वाला एक नहीं था, हम दोनों के अलावा कोई बाइक वाला नहीं, सारे गाड़ी ट्रक। बट सिटी में आती लग रहा है कि अपनी दिल्ली जैसी, मैंने पहले भी कहा था जब पहले आया था मैं कि लखनऊ में भी ना मुझे दिल्ली जैसी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। देखो ऐसे आस पास घर वर रोड वगैरह पूरी दिल्ली वाली फीलिंग आती है। लास्ट टाइम भी ना मैं यहीं से होता हुआ गया था, याद आ गया मुझे, जब लास्ट टाइम निकले थे ना तो यहीं से होते हुए निकले थे, जब मैं घर वगैरह दिखा रहा था आपको दिन में, लेकिन शायद दिन में निकला था तो मुझे आइडिया है आसपास के एरिया का, बट आज रात में निकल रहा हूँ तो रात में भी बस लग रहा है, लाइटिंग वगैरह है। यार ये देखो ऊपर है मेट्रो लाइन, और यहाँ से मैं अभी लेफ्ट ले रहा हूँ होटल सर्च करने के लिए। सो आज इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी बताता हूँ, ये है सिंगार नगर है भाई। तो भाई आज का स्टे हमारा यहाँ पे होने वाला है। भाई अब जो है हम रूम में आ चुके हैं, हमने रूम में चेक इन ले लिया है और रात बहुत ज़्यादा हो रही है, सो अपना सामान वहाँ पड़ा है, ये भाई अपना एरा और सामने कुछ सामान पड़ा है, तो अब जो है सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह निकलना है अयोध्या के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ कल मॉर्निंग में अयोध्या वाले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज।